Hey everyone, welcome to Spill Bee. Let's talk about Priyanka Chopra. Why Bollywood wives hate her and how she was cornered by very influential people in Bollywood. So you have to understand that all this happened in 2012 when PC was still trying to get films in Bollywood and Hollywood mein usne abhi tak debut nahi kiya tha. After she debuted in Hollywood, uske baad yahan ke logo ka na uske taraf attitude change hua. Those who were trying to boycott her before 2012 now suddenly wanted to be friends with her. तो ये डिस्कशन अभी करंटली प्रियंका का जो स्टारडम है ना वो माइंड में रख के प्लीज मत सुनना बिकॉज देन यू माइट गेट कन्फ्यूज बिकॉज वो लोग आज प्रियंका के साथ कॉर्डियल है बट फ्यू ईयर्स बैक दे वॉन्टेड टू डिस्ट्रॉय हर. सो फ्यू डेज बैक प्रियंका ओपनली स्पोक अबाउट हर बॉलीवुड जर्नी एंड वाई शी हैड टू लीव दिस इंडस्ट्री. पीसी सेड दैट शी वॉज नॉट गुड विद पॉलिटिक्स दैट वॉज हैपनिंग इन दिस इंडस्ट्री. शी वॉज टायर्ड ऑफ गेटिंग कॉर्नर्ड एंड इवन आफ्टर वर्किंग फॉर सो मेनी ईयर्स पीपल वर नॉट विलिंग टू कास्ट हर इन देयर फिल्म्स. उसने इसका नाम नहीं लिया एंड डायरेक्टली किसको ब्लेम नहीं किया बट इंटरनेट वॉज क्विक इनफ टू फिगर आउट हू दिस पीपल वेयर बिकॉज फ्यू ट्वीट्स फ्रॉम द पास्ट स्टार्टेड सर्कुलेटिंग इन विच करण जौहर वॉज स्लैमिंग प्रियंका चोपड़ा. Then even Priyanka's manager revealed in her interview that how people used to talk bad things about PC and they literally tried tarnishing her image in every way possible. They wanted to destroy her. And ye sab kaise hua na uske evidences bhi hum dekhenge. But first of all, here is what exactly PC said about Bollywood. I was being pushed into a corner in the industry. I had people not casting me for reasons. I had beef with people. And that's exciting. Again, I'm not good at the playing that game. The game. Politics. Mm-hmm. So I kind of was tired of the politics. एंड ये सब ना बेसलेस एलिगेशंस नहीं है. अंजुला आचार्य करके एक लेडी है जो प्रियंका चोपड़ा की मैनेजर है. एंड लेट मी टेल यू, अंजुला एक ऐसी लेडी है जिसकी कनेक्शन हॉलीवुड में बहुत स्ट्रांग है. उसने ब्रिटनी स्पियर्स, लेडी गागा इनके साथ भी काम किया है. तो प्रियंका को जब हॉलीवुड में डेब्यू करना था ना तब इट वॉजेंट लाइक कि प्रियंका हायर्ड अंजुला. इंस्टेड अंजुला साइन प्रियंका एज हर क्लाइंट हू शी विल मैनेज. सो वो जो है ना वो सबको एज क्लाइंट साइन नहीं करती. एंड आई एम सेइंग दिस टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड कि वो कितनी इन्फ्लुएंशियल लेडी है. तो अभी तो प्रियंका के साथ उसके कनेक्शंस काफी स्ट्रांग है क्योंकि काफी सालों से साथ में वो लोग काम कर रहे हैं. एक सक्सेसफुल जर्नी दोनों का साथ में रहा है. पर कई साल पहले जब प्रियंका ने डेब्यू नहीं किया था ना हॉलीवुड में एंड अंजुला वॉज प्लानिंग टू साइन प्रियंका, तब पर्सन के घर में ना एक डिनर पार्टी था जिसमें अंजुला वॉज इन्वाइटेड एंड और भी कई बॉलीवुड फ्रेटर्निटी के फेमस लोग वहाँ पे आए हुए थे. डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, देन एक्टर्स, उनकी वाइफ्स भी वहाँ थी. तो अकॉर्डिंग टू अंजुला ड्यूरिंग दैट डिनर पार्टी मेजोरिटी लोग प्रियंका चोपड़ा की बुराई कर रहे थे एंड दे वर इन अ वे ट्राइंग टू कन्विंस अंजुला दैट डोंट साइन प्रियंका, डोंट इन्वेस्ट इन हर, शी इज नेवर गोइंग टू वर्क इन हॉलीवुड, डोंट वेस्ट योर टाइम. और ये कोई रूमर नहीं है, एक इंटरव्यू के दौरान एक्चुअल में अंजुला ने ये सब रिवील किया था कि कैसे बॉलीवुड के कुछ लोग उसे डिस्ट्रॉय करना चाहते थे. इतना नेगेटिव बोल रहे थे प्रियंका के बारे में दैट डिनर से निकलते वक्त ये सारा वाइब देख के अंजुला को भी रोना आ गया बिकॉज शी रियलाइज्ड कि ये लोग कितने मीन हैं. एक साल पहले फोर्ब्स के एक इंटरव्यू के दौरान अंजुला ने ये सब रिवील किया. आई रिमेम्बर मी एंड प्रियंका टॉक अबाउट दिस. आई रिमेम्बर व्हेन आई फर्स्ट साइन्ड प्रियंका देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल इन particularly in India, who was so negative. I was at this dinner at a friend's house, Manish Goyal. I was at this dinner with some prominent, you know, people I'm going to say Bollywood, but they hate that word, so the Hindi film industry. And they were just so negative about her. They were like, she's never going to work. She's never going to this. She's never going to, I don't know why you're wasting your time, blah, blah, blah. And, you know, I remember feeling really hurt actually at the time. And I remember being like, am I wasting my time? Blah, blah, blah. But you know, this is where just self-belief comes in. Though everyone opposed, but it was Anjula's decision and she signed Priyanka. Now, if you're wondering why Priyanka was treated this way, then it is said that all this started with Twinkle Khanna. अर्ली 2000 के ईयर में ना जब प्रियंका ने डेब्यू किया था इंडस्ट्री में तब उसने कुछ फिल्में की थी अक्षय कुमार के साथ. उनकी जोड़ी तभी हिट थी और फिल्में भी अच्छी खासी उनकी चल रही थी. बट लेटर ऑन रूमर स्टार्टेड सर्कुलेटिंग कि अक्षय का अफेयर चालू है प्रियंका के साथ एंड ट्विंकल जो अक्षय की वाइफ है शी वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी विद ऑल सच रूमर्स. हेंस शी स्टॉप्ड हर हस्बैंड फ्रॉम डूइंग फिल्म्स विद प्रियंका चोपड़ा. एक आर्टिकल में ये भी छापा गया था कि ट्विंकल खन्ना गुस्से में वक्त द रेस अगेंस्ट टाइम ये फिल्म के सेट पे गई थी एंड वहाँ पे वो अक्षय कुमार से झगड़ने लगी. इवन वो प्रियंका को थप्पड़ मारना चाहती थी बट उस दिन पे प्रियंका सेट पे नहीं आई हुई थी. ये झगड़ा इतना एक्सट्रीम हो गया था कि अक्षय कुमार ट्विंकल खन्ना को घर पे लेके गए एंड नेक्स्ट दिन उन्होंने इन वे सबको ये इन्फॉर्म कर दिया था कि वो आगे से प्रियंका चोपड़ा के साथ काम नहीं करेंगे. और ये सच में हुआ है बिकॉज बरसात करके एक फिल्म के लिए ना अक्षय कुमार एंड प्रियंका चोपड़ा को साइन किया गया था बट ट्विंकल खन्ना के गुस्से की वजह से अक्षय कुमार ने वो फिल्म करने से मना कर दिया. सुनील दर्शन जो ये फिल्म बना रहे थे उन्होंने ये रिवील किया कि लास्ट मोमेंट पे उन्हें एक्टर चेंज करना पड़ा. अक्षय ने फिल्म करने से मना कर दिया इस वजह से बॉबी देओल को उन्होंने कास्ट किया. तो 2002 में तमिल फिल्म से प्रियंका ने ये इंडस्ट्री में डेब्यू किया था. 2003 में उसका बॉलीवुड डेब्यू हुआ एंड अक्षय कुमार के साथ इनिशियल ईयर्स में ही उसने 4 फिल्म कर लिया था. ईयर 2005 में वक्त द रेस अगेंस्ट टाइम ये जो फिल्म था ना ये उन दोनों की आखिरी फिल्म थी जो साथ में उन्होंने किया.
इन शॉर्ट, इंडस्ट्री में आने के 2 साल के अंदर ही शी वॉज इन अ वे बैंड फ्रॉम वर्किंग विद अक्षय कुमार, जो उस टाइम पे एक सुपरस्टार थे. तो दिस अफेक्टेड हर करियर, बिकॉज एक रूल सा बन गया था कि अगर एक फिल्म मेकर को अक्षय के साथ काम करना है तो फिल्म में प्रियंका चोपड़ा नहीं होगी, बिकॉज ट्विंकल खन्ना को ये नहीं पसंद. देन ट्विंकल के बाद इट वॉज गौरी खान जो प्रियंका के अगेंस्ट गई. डॉन फिल्म में PCNSR के ने साथ में काम किया. दे हैड अ ग्रेट केमिस्ट्री, ऑफ स्क्रीन भी ये देखने मिलता था. बट देन अगेन रूमर्स आने लगे कि शाहरुख खान वॉज मैडली इन लव विद प्रियंका. इवन उसके लिए एक एक्सपेंसिव अपार्टमेंट भी उन्होंने बाय किया है. एंड व्हेन आई टेल यू दिस कि ऐसी खबरें छापी जा रही थी, तो ये मत सोचो कि छोटे मीडिया हाउसेस उसे छाप रहे थे. लोगों ने ऐसे आर्टिकल्स पे इसलिए विश्वास करना शुरू किया क्योंकि बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ऐसे आर्टिकल्स प्रिंट कर रहे थे. एंड ये मीडिया हाउसेस का तभी नाम था, काफी क्रेडिबल सोर्सेस होते थे इनके. बट एंड में देयर वाज नो प्रूफ. पर ये रूमर इतना ज्यादा सर्कुलेट होने लगा कि SRK एंड PC साथ में भी अगर फिल्म प्रमोशंस में किधर दिखाई देते तो उनके लिंक अप रूमर्स के बारे में वापस बात किया जाता. गौरी वॉज नॉट हैप्पी विद दिस एंड हेंस आफ्टर डॉन 2 शाहरुख खान वॉज नॉट अलाउड टू वर्क विद प्रियंका चोपड़ा. एंड इफ यू फील गौरी वॉन्ट डू दैट, उसके पास उतना पावर नहीं है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट शी इज इंडीड अ वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन दिस बॉलीवुड सर्कल. देन प्रीति जिंटा ऑल्सो शेडेड प्रियंका. उसने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें शी सेड, आई हैव अ वेरी लो ओपिनियन ऑफ वुमेन हु आर होम ब्रेकर्स. आई हेट द स्टार क्लिंगिंग एक्ट्रेसेस हु यूज मैन एज लैडर्स टू क्लाइम टू द टॉप. देन शी ऑल्सो सेड दैट शी इज क्लोज टू हर मेल को-स्टार्स एंड शेयर्स अ गुड बॉन्ड विद देयर रिस्पेक्टिव वाइव्स. और प्रीति वो वक्त पे ना SRK एंड गौरी खान दोनों की काफी अच्छी दोस्त थी. तो अभी अक्षय कुमार या SRK के साथ प्रियंका को कोई रिलेशनशिप था कि नहीं, नो वन कैन कन्फर्म. अगर था तो ऑफकोर्स प्रियंका फॉल्ट में थी. एक मैरिड आदमी के साथ रिलेशन रखना इज नॉट ओके, इट इज रॉन्ग, चीटिंग कैन नेवर बी जस्टिफाइड. बट फॉल्ट में वो मेल एक्टर्स भी थे, हस्बैंड्स भी थे. ब्लेम करना है तो सबको करो, बट एज ऑलवेज दिस मेल एक्टर्स वर नेवर ब्लेम्ड फॉर एनीथिंग. एंड PC को होम रेकर का टैग मिल गया. एंड अक्षय कुमार शादी से पहले रवीना के साथ रिलेशनशिप में थे एंड उस पर भी उन्होंने चीट किया है. एक इंटरव्यू के दौरान रवीना ने ये सब के बारे में बात भी किया था. शी रिवील्ड दैट शी हैड कॉट अक्षय रेड हैंडेड विद रेखा एंड सुष्मिता. बट अगेन मेल एक्टर्स को कभी ब्लेम नहीं किया जाता. पॉइंट इज कि अगर रूमर सच है तो नो डाउट प्रियंका की गलती है, पर उसके साथ साथ SRK एंड अक्षय भी फॉल्ट में है. अभी एक चीज यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि तभी मीडिया हाउसेस काफी ब्रूटल थे एंड आए दिन ऐसे लिंकअप रूमर्स आते रहते. देन दूसरा पॉसिबिलिटी भी अगर कंसिडर करें कि ये रूमर्स झूठे थे, तो स्टिल इस केस में भी प्रियंका का ही करियर डिस्ट्रॉय होता हुआ दिखाई दे रहा है. क्योंकि जब एक झूठ को 10 बार बोला जाता है ना, तब कई लोग धीरे धीरे करके उसे सच मानने लग जाते हैं. एंड हेंस इंडस्ट्री में जो मेल एक्टर्स थे जिनकी शादी हो गई थी, उनकी वाइफ्स वेर नॉट फॉन्ड ऑफ प्रियंका. उन्होंने एक अजम्पशन बना लिया था कि अगर उनके हस्बैंड्स उसके साथ काम करेंगे तो अफेयर होगा. गौरी एंड ट्विंकल दोनों करण जौहर के क्लोज फ्रेंड्स भी थे एंड मे बी इसी वजह से और एक ट्वीट सर्कुलेट हुआ है जहाँ पे करण जौहर ने इनडायरेक्टली प्रियंका के अगेंस्ट कुछ ट्वीट किया था. What happened was कि प्रियंका की इंडस्ट्री में एक क्लोज फ्रेंड थी जिसने एक इंटरव्यू में रिवील किया कि एक पार्टी के दौरान उसने करण जौहर को नोटिस किया एंड वो जो है वो काफी बुरी चीजें प्रियंका चोपड़ा के बारे में बात कर रहे थे. इन अ वे हिज होल ग्रुप वॉज डूइंग दैट. और ये इंटरव्यू बाहर आने के बाद करण ने इनडायरेक्टली प्रियंका के अगेंस्ट एक ट्वीट डाला जहाँ पे ही रोट, यूजिंग देयर हायर्ड PR मशीनरी एंड हाइडिंग बिहाइंड सो कॉल्ड फ्रेंड्स टू गेट न्यूज इन टू टैबलॉइड्स इज नथिंग बट स्पाइनलेस एंड लेम. सम पीपल नीड टू वेक अप एंड स्मेल द कॉफी. Get a reality check before it is too late. Grow up and don't mess with goodness. और ये 2012 की बात है. ये वही साल है जब प्रियंका को कॉर्नर किया जा रहा था. अब इसी सिमिलर एलिगेशन अंजुला ने भी लगाए हैं. तो इतने सारे लोग झूठ क्यों बोलेंगे? She was literally cornered. उसका कैरेक्टर असैसिनेशन इन लोगों ने किया. फिल्म में अगर प्रियंका को मिलने भी वाली होती ना तो भी उसे रिप्लेस करने बोला जाता. एंड वो टाइम पे ऋतिक रोशन और उनके फादर राकेश रोशन वे प्रियंका's बिग सपोर्टर. विदाउट फेल क्रिश फिल्म के सीक्वल्स में वो प्रियंका को कास्ट करते ही करते, चाहे फिर इंडस्ट्री कुछ भी क्यों ना बोली. एंड 2012 में प्रियंका को ऑलमोस्ट 10 साल होने वाले थे इंडस्ट्री में. उसका फैन बेस काफी स्ट्रांग था, बट अच्छे स्क्रिप्ट्स फिर भी उसे ऑफर नहीं हो रहे थे, जिस वजह से जो फिल्में उसे मिलती वो उसे करना पड़ता. एंड मे बी इसी वजह से बैक टू बैक प्रियंका ने कई फ्लॉप्स दिए. After 2011, she realized also that Bollywood politics survive karna is not that easy. So she decided to follow her passion for singing. Usne international albums release karna shuru kiya. Anjula ki madad se Hollywood movies ke liye auditions dena Priyanka ne shuru kar diya. And she had to start from the scratch because Hollywood mein Priyanka ko koi janta nahi tha. And Bollywood se no one was supporting her. Instead, they made comments like ki PC is never gonna make it in Hollywood. Wo flop hoke hi wapas aayegi ghar pe. बट प्रियंका चोपड़ा डिड इट, शी डिड इट. उसने एक नाम बनाया हॉलीवुड में. शी बिकेम एन इंटरनेशनल स्टार. आफ्टर विच सम प्रोड्यूसर्स फ्रॉम बॉलीवुड अप्रोच हर टू डू बॉलीवुड फिल्म्स, बट अलास दिस टाइम प्रियंका वाज सो बिजी कि डेट्स वो नहीं दे पा रही थी. उस पर भी उन्होंने मीडिया में ये नरेशन चलाना शुरू कर दिया दैट प्रियंका में एटीट्यूड आ गया है, वो बॉलीवुड फिल्में अभी नहीं करना चाहती. जबकि इट वॉजन ट्रू. वेन शी वॉज हियर द वेरी फ्यू प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स वेर गिविंग हर वर्क. तो अभी अगर वो वेस्ट में अपना काम सेट कर चुकी है तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट हर कि सब छोड़ के वो वापस आ जाए जस्ट टू डू योर फिल्म.
अभी प्रियंका ने जब से रिसेंटली ये सारे इश्यूज़ के बारे में बात किया है ना, तब से फिर से ये डिस्कशन शुरू होने लगा है दैट ये इंडस्ट्री कहीं ना कहीं आउटसाइडर्स को काफ़ी अनफेयर तरीके से ट्रीट करता है। कंगना रनौत भी प्रियंका के सपोर्ट में सामने आई है, एंड जब ये सब प्रियंका के साथ 10 साल पहले हो रहा था ना 2012 में, तब खुल के उसने ये सब के बारे में बात नहीं किया बिकॉज शी न्यू दैट कि और भी ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस उसे फेस करना पड़ सकता है। बट अभी 2023 में शी नोस कि इंडस्ट्री के लोग उसे इंटिमिडेट नहीं कर सकते, इसलिए शी ओपनली स्पोक अबाउट इट। इवन आर मैनेजर हैज एड्रेस दिस इशू। और जब ये सारे इंटरव्यूज अभी बाहर आ रहे हैं, तब कोई भी गुस्से वाले ट्वीट्स देखने नहीं मिल रहे बॉलीवुड फ्रेटर्निटी के लोगों से। बट 10 साल पहले जब सेम थिंग हैपेंड, तब कई लोग प्रियंका के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स दे रहे थे। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस डिस्कशन इज नॉट अबाउट नेपोटिज्म और एनीथिंग, बट मेनली हाउ मीन दिस इंडस्ट्रीज। एक पर्टिकुलर सर्कल है जो लोगों को ठीक से ट्रीट नहीं करता, एंड दिस नीड्स टू चेंज। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि प्रियंका चोपड़ा ने उनके मैनेजर ने जो भी इंटरव्यूज में कहा है उस पर आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वॉन्ट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।